आप क्या समझते हैं कि जब किसी भी इदारे की सेल्स बढ़नी हो, जब हम रिटेल की बात करते हैं, तो जो रिटेल का स्टाफ होता है उनको किस किस टॉपिक पे ट्रेनिंग जो है ना वो देनी चाहिए? सबसे जरूरी जो मैं समझता हूँ ट्रेनिंग है वो पर्सनल हाइजीन की है, देन फिर कस्टमर सर्विस। कस्टमर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कह लें कि कॉस्ट जो है ना वो उसकी टाइम है। अमेरिकन ये कहते हैं कि जब कस्टमर आपके पास आ गया ना रिटर्न के लिए, रिफंड के लिए, एक्सचेंज के लिए या क्लेम के लिए, तो आपने काम CLAM करना है। जब आपका सेल भी अच्छी सर्विसेज मिलेंगी तो देन वो फिर ना सिर्फ रिसाइकल होगा बल्कि लोगों को भी बताएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعليه بقدر حسنه وجماله ونوره وكماله। السلام علیکم دوستو, حسن رضا ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو اب تک کی اپریسیشن اور اب تک کی کوآپریشن کا بہت بہت شکریہ۔ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ جو سیل سٹاف ہے اس کی ٹریننگ ہم کس طرح سے کروا سکتے ہیں और सेल स्टाफ की ट्रेनिंग से हम अपने इदारे की जो सेल्स हैं यानी जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं उनको हम किस तरह बढ़ा सकते हैं, हम किस तरह अपने स्टाफ को खुश रख सकते हैं, उनकी हाइजीन को बेहतर कर सकते हैं, कस्टमर सर्विस को बेहतर कर सकते हैं, प्रोडक्ट कि जब हम बात करते हैं मर्चेंडाइजिंग की उसको हम बेहतर कर सकते हैं। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन सेल्स प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम है राव यकूब। जब सेल्स की बात आती है पाकिस्तान में तो एक नाम ज़रूर गूंजता है पूरी सेल्स का पाकिस्तान में, और वो नाम है राव यकूब। राव यकूब साहब इज करंटली वर्किंग इन सर्विस शूज। राव यकूब साहब से मिलते हैं और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन। राव साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ काफ़ी अर्से के बाद मुलाकात हो रही है। बड़ी यादें भी हमारी जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में डिस्कस भी हुई। तो राव साहब वुड लाइक टू नो अबाउट दिस टॉपिक, आप जिस जिस इदारे में रहे बड़ा कंट्रीब्यूट किया, आपसे हमेशा जो सेल स्टाफ है हमेशा खुश ही रहे और आपके साथ अटैच रहे। सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये अटैचमेंट ये सेल स्टाफ के साथ किस तरह से आती है, फिर हम ज़रा ट्रेनिंग की भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि जो स्टाफ है ना, स्टाफ आपके साथ कैसे जेल होता है, कैसे आप स्टाफ को अपने साथ अटैच कर सकते हैं, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ग्राउंड द अर्थ जाके उनकी चीज़ों को देखें और प्लस उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। और सबसे पहली बात यह है कि वो उनको ट्रस्ट ये आए कि ये जो मेरे ऊपर मेरी हायरार्की से ऊपर बैठे हुए हैं तो ये मेरे लिए एक बेनिफिट और बेनिफिशरी तौर पे ये एक अल्लाह ने मतलब एक मौका दिया है। इसमें फिर हमें सबसे पहले जो सोचना चाहिए वो ये सोचना चाहिए कि हम स्टाफ की तमाम चीज़ें, ये बहुत अगर कि आप उसको सेल्स की तरफ जाएं या प्रोफेशनल चीज़ें, उनकी आप प्रोफेशनल के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ को भी आप डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पे स्टाफ जो होता है वो डिसपॉइंट हो रहा होता है अपनी फैमिली की तरफ से। आपको पता है जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, महंगाई या सारी चीज़ें, वो बड़ा डिसहार्ट होता है। इनकम का, इनकम और एक्सपेंस को लेकर बड़ा वो चीज़ें हो रही थी। जब आप उसको ब्रीफली और उसकी कोचिंग कर रहे होते हैं तो वो समझता है कि यार वाकई राइट चीज़ और राइट टाइम पे जो है ना वो मुझे मैसेज दिया गया। और फिर जब आप उनकी चीज़ों को इस तरह देख रहे होते हैं कि आप उनको ये ट्रस्ट दे रहे होते हैं कि आपके लिए मैं मौजूद हूँ, आपने जस्ट सिर्फ सेल्स की तरफ तवज्जो देनी है, आपकी जो पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ हैं इंशाल्लाह मैं बैठा हूँ, मैं रिजॉल्व करने के लिए तैयार हूँ, तो आई थिंक वो अटैचमेंट होती है। फिर सबसे पहले कि उनकी जितने भी सेरेमनीज़ हैं उनको, उन सेरेमनीज़ को आप अटेंड करें, प्रॉपर तरीके से अटेंड करें, चाहे वो मैरिज सेरेमनी हो चाहे वो कोई और इश्यूज हो। और बड़ा एक मेरे पास बड़ा एक वाकया है उसमें इसके लिए कि मेरा एक सेल स्टाफ बीमार हुआ अचानक और उसकी डेथ हो गई। मैं जब वो बीमार हुआ तो मैं उसके हॉस्पिटल गया उसी वक्त, रात के कोई एक सवा एक का टाइम था। अब वो बीमारी के हालत में देख के मुझे कह रहा है कि मुझे बहुत हौसला हुआ है। उस ग़ुलाम नबी नाम था उसका, मुझे अभी तक वो चीज़ें वो नहीं भूलती। तो अब मैं फिर फजर की नमाज़ के लिए वापस आया घर पे और फजर की नमाज़ मैंने पढ़ी, वापस आया तो पता चला डेथ हो गई उसकी।
अच्छा, जब मैं उनके घर जा रहा होता हूँ तो घर में पूरी फैमिली मौजूद होती है, एक गैदरिंग हो रही होती है, तो उसमें उसके फादर जब मुझे देखते हैं तो क्या कह रहे होते हैं कि जी हमें बड़ा हौसला हुआ पाई हैं, हमें गम हमारा जो है ना वो कम हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं आपको अटैचमेंट के लिए स्टाफ के लिए। बिल्कुल सही। और मैंने देखा है कि आप खुशी में भी तो शामिल होते हैं, लेकिन आप जब सेल्स स्टाफ है, जब आप उनके दुख में या गम में जाते हैं तो उनका बड़ा हौसला बढ़ता है और आप हमेशा आगे आगे रहे और हमेशा आपने जो है वो सपोर्ट किया। मेरा ख्याल है जो आपकी कामयाबी का राज है वो यही है जिसमें लोग आपके साथ जल्दी जलिन हो जाते हैं। अच्छा राव साहब, आप हम ज़रा बात करेंगे ट्रेनिंग के ऊपर, तो हमें ये बताइए, हम एक इदारे में इकट्ठे भी काम करते रहे, वहाँ हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे मतलब डिफरेंट चीज़ों पे हमने लोगों को ट्रेन भी किया। सो आप क्या समझते हैं कि जब किसी भी इदारे की सेल्स बढ़नी हो, जब हम रिटेल की बात करते हैं, तो जो रिटेल का स्टाफ होता है उनको किस किस टॉपिक पे ट्रेनिंग जो है ना वो देनी चाहिए? इसमें हसन, ये एक तो एज ए रिटेल प्रोफेशनल मैं ट्रेंड की बात करूँ तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले ना पर्सनल ग्रूमिंग की ज़रूरत है कि आप स्टाफ की पर्सनल ग्रूमिंग करें, उसकी हाइजीन के साथ साथ उसकी पर्सनल एजुकेशन नहीं है तो उसको कहें कि यार आप आगे एडमिशन लें, आगे पढ़ें, आगे बढ़ें। देन फिर उसकी एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ उसकी प्रोफेशनल एजुकेशन के ऊपर भी तवज्जो दें कि आपको कस्टमर को कैसे डील करना है, कस्टमर सर्विस को कैसे इन्हांस करना है, फिर आपने जब सेल्स है सेल्स को कैसे इंक्रीज़ करना है, फिर राइट प्रोडक्ट फॉर राइट प्लेस कैसे लगानी है, तो एक पूरा फिर इंटीरियर एक्सटीरियर की कैसे फ्रेशनेस रखनी है, वो एक ट्रेनिंग का पार्ट है। सबसे ज़रूरी जो मैं समझता हूँ ट्रेनिंग है वो पर्सनल हाइजीन की है। देन फिर कस्टमर सर्विस है। जब जरूरी बात है कस्टमर हमारे पास आ रहा है चल के तो वो एक रिस्पेक्ट मांग रहा होते हैं, क्योंकि एक जरूरी बात है एक इदारा है, एक माशाल्लाह सर्विस एक इदारा है और सर्विस के जो कस्टमर्स होते हैं वो चाहते ही हैं कि हमें एक रिस्पेक्ट मिले और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको उस बेंचमार्क को बीट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उस मीट के साथ साथ हमारा ये भी होता है कि हम इसको बीट भी करें। तो सम टाइम ऐसे होता है कि कस्टमर वाओ कंसेप्ट दे के जाता है कि मैं आया हूँ और मुझे इतनी अच्छी सर्विस मिली है, तो वो बड़ा एक्साइटेड होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले एक सेल्स स्टाफ की ट्रेनिंग में कस्टमर सर्विस का बड़ा पार्ट है। और फिर जब सेल्स की बात आती है तो हमारे KPIs आते हैं कि हम उस KPIs के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि हमने उनको कैसे KPIs के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्योंकि सेल्स की जो सेल्स की ग्रोथ है ना उसके लिए सबसे ज़रूरी आपके KPI हैं जो आप सेट कर रहे होते हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी KPI सेट करती है। उसमें हमारे जो KPIs होते हैं जाली बात है IPT है, UPT है, कन्वर्जन है। कन्वर्जन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स का एक पार्ट है कि आपके पास कस्टमर आया है तो जाली बात है वो टाइम्स इस वक्त जो मैं समझता हूँ, मैं बल्कि ये ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ OGT में जो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, तो मैं स्टाफ को कहता हूँ कस्टमर जो होता है ना, कस्टमर का जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कह लें कि कॉस्ट जो है ना वो उसकी टाइम है, उसका टाइम इस वक्त आप जितना आप बचा सकते हैं ना वो बचाएं। कस्टमर आए हैं उसको बिल्कुल भी इतना उसका टाइम वेस्ट ना करें, उसको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करके अच्छी प्रोडक्ट दें और उसको भेज दें, वो बड़ा फील करेगा यार मेरा बड़ा टाइम, क्योंकि इस वक्त टाइम बड़ा ज़रूरी है, हर जगह टाइम की बात हो रही होती है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो उस टाइम का आपको पता है लीड टाइम हमारा चल रहा होता था और हमारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो फिर हम वही चीज़ के हमने कस्टमर को जब वो इंटर होता है और उसकी सर्विसेज के अंदर अंदर हमें बहुत जल्द हमने उसको जो है ना वो अटेंशन। आप अक्सर ये बात भी करते थे जब हम ट्रेनिंग्स करवाते थे तो आप ये कहते थे कि जब कस्टमर एंटर होता है तो यार कुछ ऐसे हमारे चीते सेल्समैन हैं, वो पहचान जाते थे कि यार ये जूता लेगा या नहीं लेगा, तो इसको हमने देखना है, टू द पॉइंट है। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं यार कि ये अंदर एंटर हो गया है भाई, ये मतलब वो विंडो शॉपिंग करने आया है या फिर जो है मतलब ये लेके जाएगा हमें? अच्छा ये कंसेप्ट हसन पहले था कि बल्कि मैं ट्रेनिंग में भी ये कहता हूँ कि जो कस्टमर इंटर हो गया है ना आप उसको विंडो शॉपर ना कहें, वो लेगा। अब आपकी स्किल्स हैं कि उसको विंडो शॉपर को आपने सेल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको आपने क्या सर्विसेज देनी है, अपने प्रोडक्ट की क्या नॉलेज देना है, और फिर सबसे ज़रूरी है कि उस कस्टमर्स को बताना है कि जी आपके पास टाइम बहुत कीमती है, आप आए हैं तो हमारी ये प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट के ये फीचर्स हैं। जब उनको आप बता रहे होते हैं अच्छा इनको बड़ी चेंजिंग आई है, जब मैंने ये इम्प्लीमेंट करवाया तो मुझे फीडबैक ये आया कि हमारा कन्वर्जन रेट जो कि 10-11 था वो 27 तक भी गया है। तो उसकी मीन्स के जो कस्टमर आए हैं अगर आपने उनको प्रॉपर अटेंड किए तो कस्टमर लेके गए हैं। पहले क्या होता था, हमारे सेल्स स्टाफ कहते थे सर मुझे पता है
ये 5-1 है, ये फला है, ये फला है, ये 5-1 एक लैंग्वेज थी, तो हमने वो लैंग्वेज खत्म की। सबसे पहले हमने कहा कि यार कस्टमर के, उसको हम ना सेल्स के अंदर बतौड़ी बोलते हैं। मैं कह यार ये बतौड़ी लैंग्वेज कोई है, हमारे लिए कस्टमर एक ऑनरेबल कस्टमर है, हमारे लिए एक, हमारे अपने लिए भी एक ऑनर है कि वो हमारे पास चल के आया। तो हमने उनको वो लैंग्वेज देनी है जो वो चाह रहे हैं, जो सर्विसेज वो चाह रहे हैं। देन फिर हमने फिर इस तरीके से उसको अटेंड करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेल्स भी बहुत अच्छी जा रही होती हैं, हमारी सर्विस भी बहुत अच्छी जा रही होती है, ये सारा एक जो है। अच्छा, आप ज़रा हमें ये बताइए कि एक एंग्री कस्टमर है जो कि किस तरह हम कस्टमर टाइप की भी बात करते हैं, तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाए? और आई थिंक ये बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यू टू फैमिली प्रेशर या कुछ ऐसी चीज़ें, ये क्या उठा के ले आए हैं आप, ये जूता चेंज करें, रिप्लेस करें, मतलब एक्सचेंज पॉलिसी जो कि हम अक्सर बात करते थे, तो वो आके ना शुरू हो जाता है काउंटर पे, अब वो बाकी माहौल ख़राब हो जाता है। तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू हैंडल द एंग्री कस्टमर? इसमें हसन दो मॉडल्स हैं, इसमें एक अमेरिकन मॉडल है जिसको काम बोलते हैं और एक है ब्रिटिश मॉडल, उसको लंग बोलते हैं। अच्छा, अमेरिकन ये कहते हैं कि जब कस्टमर आपके पास आ गया ना रिटर्न के लिए, रिफंड के लिए, एक्सचेंज के लिए या क्लेम के लिए, तो आपने काम CLAM करना है। उन्हें क्या मतलब, इस काम से मुराद ये कि सी है साइलेंट, पेन साइलेंट, कि आपने उनकी जब बात सुननी है ना, लिसन करना है, तो ऐसे हो कि आप बिल्कुल डेड है, आप बिल्कुल कोई आंखें आपने नहीं झपकनी, कोई चीज़ नहीं करनी, तो वो बड़ा मुतासिर होता है। फिर उसकी बात को लिसन करें, पहले तो अपनी पोजीशन ऐसी कर लें कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ हर बात सुनने के लिए। समटाइम क्या होता है, आप सुन रहे होते हैं, कभी आप इधर देख रहे होते हैं, कभी आप खारिज कर रहे होते हैं, कभी आप अपनी पोस्चर को चेंज कर रहे होते हैं, तो वो नहीं करना। ये ब्रिटिश ये कह रहे हैं, उसको लिसन करना है बड़े गौर से। जब आप आपको पता चल गया है कि इसमें ये फॉल्ट था, ये मामला था, तो फिर आपको आपको अपोलोजाइज करना चाहिए। अपोलोजाइज करके, सॉरी करके, देन फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है, जो उसका प्रॉब्लम है वो उसको रिजॉल्व करना है एट द स्पॉट। और फिर आपने इसके साथ साथ फिर आपने अपने हाई मैनेजमेंट को भी इन्फॉर्म करना है। बिल्कुल, तो अब ये है। और जब हम लर्न मॉडल को देखते हैं, उसमें भी यही है कि लेकिन लिसन करना है, अपोलोजाइज करना है और एम्पथाइज करना है, उसकी हमदर्दी है, फिर अपोलोजाइज करना है और फिर रिस्पॉन्ड करके उसको नोटिफाई भी करना है। agreed, कि agreed. अपने सीनियर को बताने के, सर हमें ये फॉल्ट आया है और कस्टमर्स नाराज़ हो रहे हैं, तो इस चीज़ को, ये आई थिंक मॉडल हमने जब दोनों मॉडल इम्प्लीमेंट किए ना, तो हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस ये मिली कि कस्टमर सबसे पहले, मैंने हसन बताया कि ज़रूरी यह है कि हम रिसाइकल करें कस्टमर्स, दोबारा भी हमारे पास कस्टमर आए, उसके लिए एक सक्सेस प्लान है। उस सक्सेस प्लान का सबसे पहला टूल ये है कि हमसे कस्टमर खुश होके जाएं, हमारी सर्विसेज से मुतासिर हों, देन दोबारा आए। तो जाहिर बात है जब वो क्लेम या कोई ऐसी चीज़ होगी, जब उनको अच्छी सर्विसेज देंगे आफ्टर सेल, जब आफ्टर सेल भी अच्छी सर्विसेज मिलेंगी, तो देन वो फिर ना सिर्फ रिसाइकल होगा बल्कि लोगों को भी बताएगा। आपको बताया कि अच्छा कस्टमर्स 10 लोगों को बताता है, बुरा कस्टमर 100 लोगों को बता रहा होता है, एक मैसेज दे रहा होता है कि यार वहाँ पे सर्विसेज अच्छी नहीं है। तो हम कंप्लेंट हैंडलिंग का जो टूल है वो इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ हम करते हैं बल्कि स्टाफ को, एक सेल्स स्टाफ भी उस टूल को इस्तेमाल करके ना हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच राव साहब फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव। बड़े ज़बरदस्त आपने बड़ा अच्छा सेशन किया, बड़ी मैंने तो बहुत इंजॉय किया। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई लाइक टू थैंक्स टू द सर्विस शूज एज वेल, आई मीन उन्होंने भी बड़ा अच्छा हमें जो है वो दोनों को ट्रेन किया, और आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो वी हैव लर्न दीस थिंग फ्रॉम द सर्विस एंड क्रेडिट गोज टू द ऑनर एज वेल एंड द ग्रेट एसएन उमर एज वेल। यस, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम श्योर दैट कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। राव साहब हमारे साथ थे, इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से आप अपने स्टाफ की जो है वो ट्रेनिंग्स करवा के अपने इदारे की सेल्स बढ़ा सकते हैं। इन्होंने हमें ये भी बताया कि जो एंग्री कस्टमर है उसको आपने किस तरह से हैंडल करना है। और हाँ, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी इस इंटरव्यू में, वो है कॉर्पोरेट एम्पथी, यानी कि आपने किसी भी स्टाफ के पास जब जाना है तो उससे ज़रूर पूछना है कि घर के हालात कैसे चल रहे हैं, क्या तुम्हें सपोर्ट और हेल्प चाहिए, और उनके दुख और गम में ज़रूर शरीक होना है। लोगों के लिए काम करते हैं, शायद मेरी अपनी थिंकिंग है कि शायद लोग इदारों के लिए काम नहीं करते। तो इसको रिपीट कर ले ज़रा लाइन को, मैं दोबारा बोलता हूँ, ठीक है ना, कट करो अगर उसको ठीक कर लें। मैं आपको ये भी बताना चाहिए, मेरी अपनी जाती राय है कि लोगों के लिए काम करते हैं, लोग लीडर्स के लिए काम करते हैं, मेरा ख्याल है कि शायद वो इदारों के लिए काम नहीं करते।
तो आपने जो है वो जब अच्छा और बेहतरीन अगर आप लीडर बनना है तो फिर आपको जो चीज़ें राव साहब ने बताई हैं वो आपको अपने इदारे में इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, तभी लोग आपकी बात सुनेंगे। सो दोस्तों, इंशाल्लाह अनकरीब एक नए टॉपिक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखेगा। टेक केयर, बाय बाय।